काल है इस समय। गाड़ी की हो गई है पंचर, वाट लग गई है राजा। और ये जगह है बिल्कुल कछार। अरे ब्लॉक का चक्कर में पूरा एकदम आज का दिन खराब ना जाए भाई। पंचर हो गया है गाड़ी हम लोगों की। राज भाई यहाँ पर अब बोल रहे हैं दूसरे गाड़ी की वेट कर रहे हैं, अब कौन आएगा पता नहीं। गाड़ी की बिल्कुल एकदम गाड़ी की हालत राजा बहुत बेकार हो गई है। अभी भैया गाड़ी लेकर आएंगे तो देखते हैं क्या हो रहा है। और मौसम काफ़ी सुनहरा है आज का। और ये रास्ता बढ़लगंज जाता है और पीछे वाला बैरियाँ ये तो गोला बाजार जाना है हम लोग का। ITI की परीक्षा देने गाड़ी धोखा दे दी यहाँ पर। गाड़ी की हो गई है हाल खराब। गाड़ी के रिटर्न मारने जा रहे हैं राज भाई। चलो रिटर्न मारो भाई। कोई कहीं कर रहा है पूरा एकदम गाड़ी की वाट लग गई है। और फिर रिटर्न जा रहे हैं भैया गाड़ी लेकर आ रहे हैं। चलो घुमाओ रुको बगुआ। चलो 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 पीछे ठीक एकदम। और ये प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरा पानी में डूब गया है। आगे चलो गाड़ी की एकदम गाड़ी बिल्कुल स्लिप कर रही है। और यहाँ पर रात का हाल क्या है। गूगल मैप और काफी स्मार्ट भवन यहाँ पर। अभी तक कहाँ पहुँची लड़की हाँ अभी तक तो गाइस हम लोग पड़ल गाँव पहुँच गए थे। फिर गाड़ी को रिटर्न ले जाना पड़ रहा है। और यहाँ पर ऊंचाई चढ़ाई हो रही है। और ये सब पानी की बौछार। बारिश तो ज़्यादा होने रही है इसमें आलिशान बंगला। हाँ रात में बारिश हुई है। हम लोग का गाँव से बहुत अलग है। यहाँ पर देखिए दूर दूर पेड़ नहीं है। यहाँ पर एकदम फसल भी नहीं है और पेड़ भी नहीं है। ये सारे फसलें हमारे गांव में सलर आता तो दूसरा कोई और अधिया लेकर बो देता है। और यहां पर ये हाल है यहां पर कोई बो नहीं रहा है बारिश की वजह से। डर के मारे बारिश इस साल हुई नहीं पूरी फसल खराब। बारिश मत आओ राज भाई यहीं पर रुको भैया को आने दो। आगे चलो आएंगे तो भैया के साथ थोड़ा ब्लॉगिंग नहीं करेंगे भाई नहीं तो बहुत भीड़ हो जाएगा। तो आ गए यहाँ पर हम लोग। गाड़ी रोक कर मौज मस्ती कर रहे हैं। मौज मस्ती का आज तो लग रहा है पेपर में छूट जाए भाई। और यहाँ एक सुनहरी सी छोटी सी नदी नदी क्या नहर वो सब बोल सकते हैं वही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये भाई और इधर भी नीचे की तरफ आपको दिखा दें कहीं राजा पानी ना गिर जाए फोन। काफी अच्छा व्यू है सुबह का। तो चलिए सीधे अब विजय प्राइवेट ITI स्कूल के पास हम मिलेंगे। रास्ते में कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है तो भाई साहब आप लोग हम आ गए हैं अपने कॉलेज पर विजय प्राइवेट ITI के पास। रास्ते में गाड़ी हम लोग का बहुत बुरी हालत हो गई थी भाई दिखाने लायक नहीं था। एकदम मूड एकदम सटक गया था का करें का नहीं करें। तो इस समय आ गए हैं यही है विजय प्राइवेट ITI।
पीछे बोर्ड लगा है, आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन से है ट्रेड हमारा, और काफ़ी लंबा पड़ गया यहाँ पर। राज भाई भी अपना फोटो फाटो खींच रहे हैं। और भाई गाड़ी चलाने में कैसा मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, एक तो एक्सीलेटर उसका गड़बड़ा है और दूसरे में हर चीज़ का गड़बड़ा ही है, कौन सी सही नहीं है। आपको फ्रंट से बाइक से दिखाते हैं कॉलेज को बढ़िया से। 12 अभी हम पेपर देने जाएंगे, उससे पहले राज भाई हमारा कोड ले रहे हैं, जो पासवर्ड बोल फ़ोन का पासवर्ड ले रहे हैं, ताकि बैठे बैठे बोरिंग हो जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अपना कुछ हमारा कनेक्ट करा कर हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। अभी अंदर चलेंगे तो अंदर का ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, बाकी सब दिखा रहे हैं। अभी हमारा ही परीक्षा है, एग्ज़ाम मेरा ही है, बस यही है। विजय प्राइवेट ITI, आप लोग भी कभी आइए, आप लोगों का अगर एडमिशन हुआ होगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपका कॉलेज यही है, यहीं पर लिखा है यहाँ पर विजय जी होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज। और इसका मेन पहचान ये पीछे टावर है, मीरा भवन, और नीचे ऑफिस लिखा हुआ है यहाँ पर शीशे के पास, शीशे पर ही। वो का जमाड़ा हो चुका है, देखने कुत्ते अंगड़ा ही ले रहे हैं सुबह सुबह। और यहाँ पर भी 4 कुत्ते बैठे हैं, 2 कुत्ते यहाँ बैठे हैं, 2 कुत्ते यहाँ। कुत्तों के बीच में हम लोग हैं।